दोस्तों तीसरे दिन अचिंक्य रहाणे की कमाल की बल्लेबाजी की वजह से भारतीय टीम ने करी टेस्ट मैच में वापसी, तो भारतीय गेंदबाजों ने भी नहीं छोड़ी कोई कसर और तीसरे दिन भारतीय टीम ने कर दिया कमाल। जी हां दोस्तों, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का तीसरा दिन खत्म हो चुका है, जहां दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच दी ओवल ग्राउंड में खेला जा रहा है। तो आइए दोस्तों जानते हैं तीसरे दिन का पूरा हाईलाइट, जहां दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अपनी पहली पारी में 469 रन बनाए थे, तो उसके जवाब में भारतीय टीम दूसरे दिन तक 151 रन बना पाई थी 5 विकेट के नुकसान पर, और दूसरे दिन तक भारत की हालत बेहद ही खराब थी। और जब तीसरे दिन अचिंक्य रहाणे और KS भारत भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे, तो इनको दूसरी गेंद पर ही स्कॉट बॉलैंड ने शिखर भारत को क्लीन बोल्ड मार दिया था और भारत केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। तो दोस्तों इसी ओवर में टीम बॉलैंड ने शार्दुल ठाकुर को भी आउट कर दिया था, लेकिन दोस्तों उनकी कैच छूटने की वजह से शार्दुल ठाकुर को शुरुआत में ही जीवन दान मिल गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद अचिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करी, जहां इन दोनों की बल्लेबाजी की वजह से ही भारतीय टीम ने तीसरे दिन इस टेस्ट मैच में वापसी करी थी। जहां दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों को आज के मैच में काफी ज्यादा जीवन दान मिले थे और दोस्तों ये दोनों बल्लेबाज अच्छे लय में दिख रहे थे। तो दोस्तों इसी बीच अचिंक्य रहाणे ने 92 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। तो दोस्तों इसके बाद शार्दुल ठाकुर भी कमाल की लय में दिख रहे थे, लेकिन दोस्तों पैट कमिंग्स ने उन्हें आउट कर दिया था। लेकिन दोस्तों पैट कमिंग्स ने जिस गेंद पर उन्हें LPW आउट किया था, वो गेंद उन्होंने नो बॉल डाल दी थी और इस वजह से शार्दुल ठाकुर आउट होकर भी नॉट आउट रहे थे। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने छठे विकेट के लिए 100 से ज्यादा रनों की पार्टनरशिप करके भारतीय टीम की स्थिति को पूरी तरह संभाल लिया था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम अब यहां से ऑस्ट्रेलिया के रनों के काफी नजदीक पहुंच जाएगी। लेकिन इसी बीच जब रहाणे अपने शतक से केवल 11 रन दूर थे, तभी 261 रन के स्कोर पर पैट कमिंग्स ने अचिंक्य रहाणे को आउट कर दिया और दोस्तों रहाणे 89 रनों की बेहतरीन बल्लेबाजी करके आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने उमेश यादव उतरे थे, लेकिन उमेश यादव को भी पैट कमिंग्स ने क्लीन बोल्ड मार दिया था और उमेश केवल 5 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां एक तरफ इस मैच में शार्दुल ठाकुर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने 108 गेंदों में अपने 50 रन भी पूरे कर डाले थे, लेकिन अपने 50 रन पूरे करने के बाद ही उन्हें अगली गेंद पर कैमरॉन ग्रीन ने आउट कर दिया और दोस्तों ठाकुर 51 रन बनाकर आउट हुए। जहां इसके बाद शमी ने आखिरी में आकर 2 चौके जड़े थे, लेकिन उनको भी 296 रन के स्कोर पर मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया था और शमी 13 रन बनाकर आउट हुए थे। और इस तरह भारतीय टीम 296 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 296 रन बनाए, यानी कि दोस्तों भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया से पूरे के पूरे 173 रन पीछे रह गई थी। और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान पैट कमिंग्स ने 3 विकेट अपने नाम किए थे, तो मिचेल स्टार्क, स्कॉट बॉलैंड और कैमरॉन ग्रीन को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो नेथन लियोन को भी 1 विकेट हाथ लगा। और जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी, तो उनको पहला झटका ही केवल 2 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने देकर डेविड वार्नर को आउट कर दिया था और वार्नर केवल 1 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां वार्नर से आउट होने से पहले लबुशेन मैदान पर सो रहे थे, लेकिन आउट होते ही उनकी फटाफट आंख खुल गई। हालांकि इसके बाद एक तरफ भारतीय टीम इस मैच में कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे और इस वजह से 24 रन के स्कोर पर उस्मान ख्वाजा को उमेश यादव ने आउट कर दिया था और ख्वाजा 13 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद जब लबुशेन का साथ देने स्टीवन सुमित उतरे, तो इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इस मैच में भारतीय टीम को पूरी तरह पछाड़ के रख दिया था, क्योंकि इन दोनों बल्लेबाजों ने इसके बाद तीसरे विकेट के लिए 62 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी और ये दोनों ही बल्लेबाज काफी तेजी से रन बना रहे थे। लेकिन 86 रन के स्कोर पर स्टीवन सुमित जडेजा की गेंद पर छक्के मारने की कोशिश में आउट हो बैठे और स्टीवन सुमित 34 रन बनाकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद बैटिंग करने ट्रेविस हेड उतरे और दोस्तों ट्रेविस हेड के लिए काफी तगड़ी फील्डिंग लगाई गई थी और दोस्तों इस फील्डिंग में ट्रेविस हेड फंस गए थे, लेकिन दोस्तों वो कैच
उमेश यादव ने छोड़ दिया था, लेकिन दोस्तों इसी ओवर में रविंद्र जडेजा ने उन्हें खुद आउट कर दिया और दोस्तों ट्रेविस हेड 18 रन बनाकर आउट हुए थे। और दोस्तों इसके बाद लबुशेन का साथ देने कैमरॉन ग्रीन उतरे थे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने 12 रनों की पार्टनरशिप करी और दोस्तों इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने विकेट नहीं गिरने दिया और इस तरह तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने 123 रन बना लिए हैं 4 विकेट के नुकसान पर। जहां लबुशेन 41 रन बनाकर नॉट आउट है तो ग्रीन ने भी 7 रन बनाए हैं, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पास अभी भी 296 रनों की एक बड़ी बढ़त बाकी है और उनके हाथ में 6 विकेट भी बाकी हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जल्दी ऑल आउट करना होगा।